Assalamu alaikum to one and all present here. Waalaikumsalam. I am Pakiza Hilal from class 7th and today I am going to tell you how do we create a table in HTML. Before creating a table, we must know what is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language that is understood by web browser for composing text and image. Basically, it is a building block for web page. Now let's start creating our table. First of all, we have to write HTML tag. And then after that, head tag. In head tag, we can also give our title, like I will give here table. And then after that हमें इसको close करना है. उसके बाद हमें head tag को भी close करना है. फिर उसके बाद हमारा आता है body tag. फिर हम उसके बाद हमारा table जो है वो start करते हैं. वो हम लिखते हैं table tag में. टेबल टैग में हमारा आता है tr. tr means टेबल रो. अब जो टेबल रो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी जो हमारी टेबल रो है, अब हमें उनमें देने हैं टेबल हेडर्स, तो वो हम th में देते हैं, यानी कि टेबल हेडर. टेबल हेडर यहाँ पे हमें देना है फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर. उसके बाद हमें th को क्लोज करना है. फिर आता है दूसरा टेबल हेडर, उसको th को स्टार्ट करना है. एंड देन हम उसमें लिखेंगे नेम, फिर इसको भी क्लोज करना है. फिर तीसरा टेबल हेडर, इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल पेरेंटेज. उसके बाद इसको भी क्लोज कर देंगे. हो गया हमारा एक रो. तो उसके बाद हमें इस tr को भी क्लोज करना है. उसके बाद हमें फिर से एक रो स्टार्ट करना है, उसमें हमें डेटा देना है. तो जो जब हम टेबल का डेटा देते हैं वो td में देते हैं, मींस td मींस टेबल डेटा. उसके बाद हमें इस tr को फिर से स्टार्ट करना है, उसमें हमें लिखना है td. td में हम देते हैं टेबल डेटा, मींस अगर हम यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहे हैं तो हमें इसका डेटा भी यहाँ आना चाहिए, फॉर एग्जांपल 1. तो ये 1 हम यहाँ पे देते हैं td में. इस td को भी हमें यहाँ पे क्लोज करना है. फिर दूसरा td आता है, वो हम नेम का डेटा देंगे, नेम फॉर एग्जांपल पाकीज़ा. और फिर हमें इस td को भी क्लोज करना है. तीसरा टीडी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, वो है पेरेंटेज. पेरेंटेज में हम लिखेंगे हिलाल, एंड इसको भी हम क्लोज करेंगे. आफ्टर दैट हमने ये टीआर जो स्टार्ट किया था इसको भी हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारा रो जो है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद हमें टेबल टैग को भी क्लोज करना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है, एंड HTML को क्लोज करना है. अब ये जो है एज पर आवर कोडिंग हमारा टेबल जो है वो तैयार हो जाएगा. अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हम दे सकते हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट ना आए, वो कुछ और कलर आए, तो हम यहाँ पे बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट्स है, लाइक हम दे सकते हैं bg color इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल रेड. या और हम चाहते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट है ये कुछ और कलर आ जाए, तो हम देख के टेक्स्ट इज इक्वल येलो. उसके बाद अगर हम टेबल के भी कुछ एट्रीब्यूट्स देखें, लाइक हम कह सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो कुछ अलग आना चाहिए, तो हम देंगे टेबल टैग में बॉर्डर इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल 2. और इसका हम दे सकते हैं, अगर हमें विड्थ देनी होगी अपने टेबल की, हम दे सकते हैं विड्थ इज इक्वल 20%. और इसी हिसाब से हम हाइट दे सकते हैं, चाहते हैं कि जो हमारी सेल है
उसका और दूसरी सेल का जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, तो हम उसमें दे सकते हैं सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 2। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी सेल में एक कंटेंट है और सेल वॉल की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, तो हम उसके लिए दे सकते हैं सेल पैडिंग इज इक्वल टू। तो ये आते हैं हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स। अगर हमें अब सेल्स में भी अपना बीजी कलर देना होता है तो हम दे सकते हैं टीएच बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, तो वो हमारा आ जाएगा सेल का कलर। तो इस हिसाब से हमारा जो ये टेबल है वो आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।